अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग वीडियो। ये मेरा सेकेंड ब्लॉग है और मैं इसमें दिखाऊंगा मैं घर से हरिरामपुर जाऊंगा। ये छोटा सा सफ़र है, यहाँ घर से 9 से 10 किलोमीटर का सफ़र। मैं इसको अभी शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। ये मेरा सेकेंड ब्लॉग है तो ज़रूर इस ब्लॉग में बने रहिएगा, ब्लॉग बहुत अच्छे होने वाला है। मैं घर से अभी जाऊँगा हरिरामपुर, मेरा घर दुआंस में है और यहाँ से जाना पड़ता है मुझे स्टैंड पे, वो यहाँ से 400 से 500 मीटर दूरी पे है। तो वहाँ पे जाके हमें छोटा सा एक बांस मिलता है और बांस से हमें जाना पड़ता है वो हरिरामपुर। तो चलिए हम लोग अभी हरिरामपुर जाते हैं और ये 9 से 10 किलोमीटर का सफ़र अब लोगों को मैं दिखाता हूँ कितना अच्छा होने वाला है। और 9 से 10 किलोमीटर के जाने के बाद हरिरामपुर प्लेस बहुत अच्छा है हमारे यहाँ से, हमारे यहाँ पे जो अच्छा प्लेस है आसपास तो वो हरिरामपुर है। तो मैं अभी हरिरामपुर को अब अच्छे से दिखाऊंगा, वहाँ पे आसपास दुकान वगैरह और बांस स्टैंड अच्छे से दिखाऊंगा। चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। ये अभी अभी बांस आया है और मैं बांस के ऊपर उठ गया हूँ। ये देखिए बांस के अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा लगता है और ये सामने ड्राइवर है। अब एक खिड़की से बाहर का नज़ारा ऐसा लगता है कुछ, ये ज़मीन वगैरह है, ये खेती है, सब रास्ते के साइड में ये खेती है। तो नेचुरल चीज़ हैं, बहुत अच्छा लगता है देखने में। ये नाहिद स्टैंड आ गया, ये सामने ये नाहिद स्टैंड है और यहाँ पे रुकता है जो कोई रहता है तो रुकता है। तो ये अभी है कोई, तो बांस से कोई उतर रहे हैं अब लोग देख पा रहे हैं। तो ये नाहिद स्टैंड है, यहाँ पे रुके हैं, अभी अभी छोड़ देगा, ये अभी छोड़ दिया फिर मेस की। हमारे इधर इसको मेस की कहते हैं और ये छोटा सा एक बांस है। तो अभी ये नाहिद से छोड़ दिया है, तो नाहिद से छोड़ दिया है, अभी अभी जा रहा है। तो ये फाइनली चल रहा है अभी गाड़ी। तो देखिए ये रास्ते की साइड में है, तो कुछ ही देर में आ जाएगा ये हरिरामपुर। ये फाइनली हरिरामपुर के अंदर आ ही गया है, यही हरिरामपुर है। तो कुछ देर बाद ये सामने ही है बांस स्टैंड, बस एक दो मिनट में ही आ जाएगा, एक मिनट में ही आ जाएगा शायद। बहुत जल्दी चल रहा है, ये तेज़ भी चल रहा है मेस की जो हमारे इधर का है। ये है रास्ता, फाइनली हम लोग ये हरिरामपुर पहुँच ही गए हैं। तो ये है किसी का शोरूम और ये देखिए रास्ते में साइड में दुकान वगैरह बना हुआ है। और ये अभी हम लोग अभी एंट्री करेंगे बांस स्टैंड पे, तो देखते हैं बांस स्टैंड। ये अभी बांस स्टैंड के अंदर आ गया, ये है हमारा हरिरामपुर बांस स्टैंड। ये यहाँ पे अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा है और अभी सब इधर उतारेगा, ये सब उतार गया अभी। ये है बांस स्टैंड का नज़ारा, अभी बांस स्टैंड पे हम लोग एंट्री करके ये अभी देख रहे हैं। ये बांस स्टैंड का काउंटर है और ये सामने बांस खड़ा हुआ है और टोटो भी लगा हुआ है और ये ऑटो भी है यहाँ पे, आप कहीं पे भी जा सकते हो, ऑटो टोटो सब यहाँ से आपको मिल जाएगा और टैक्सी भी मिल जाएगा आपको। कहीं पे भी जाना है तो आप किराए पे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये टोटो भी खड़ा हुआ है। तो ये था हरिरामपुर बांस स्टैंड, तो अब चलते हैं साइड में। ये आ गया हरिरामपुर, ये प्लेस का एक साइड है, हरिरामपुर प्लेस का एक साइड में ऐसे दुकान वगैरह है। ये सोने का दुकान है पीछे और ये सामने आ गया, ये ऐसे दुकान बना हुआ है। तो हरिरामपुर स्टैंड में ऐसा ही दुकान वगैरह बना हुआ है और यहाँ पे शोरूम भी है, आप बाइक भी ले सकते हैं। ये यहाँ पे दुकान वगैरह ऐसा ही है। इस रास्ते से सामने से अब जाएंगे ईटाहार पहुँच जाएंगे और पीछे से जाएंगे तो यहाँ पे बुनियादपुर गंगरामपुर चले जाएंगे इधर से। और ये है इधर से जाएगा गाजोल फुटानीगंज, हमारा स्टैंड इधर से लेफ्ट साइड से, ये तीनों तरफ रास्ता। आज का ब्लॉग यहीं से ख़त्म, तो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें।